हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बना रही हूँ अभी आम रस, क्योंकि हम लोग जो दोबारा लेकर आए ना, वो भी पता नहीं गर्मी की वजह से या किस वजह से सारी मैंगो फटाफट पक जा रही है, तो अभी उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हो जा रही है, ज़्यादा पकने के बाद ऐसी हो जाती है ये, फिर काट के खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती, तो रस ही आम रस ही बनाना पड़ता है। तो सारी मैंगो, इतनी सारी अभी तक तो पड़ी है मैंगो सारी। फिर आम रस के लिए ये रहा, पूरा काट दिए मैंगो। साथ में बना रही हूँ भरवा बैंगन की सब्जी, और हांडवा के लिए भिगो दिया पहले, वो भी भिगा के रख दिया है। बर्तन लगाने, आटा लगा के रख दिया है अभी, और एक डब्बा उतारना पड़ेगा नीचे, क्योंकि पहले भी जो सेव लाए थे वो सारी भरी, और बाकी की जो है वो सारी भी अभी डालनी है। और बहुत खीचू खाने का मन हो रहा था, तो चावल का आटा भी लेकर खीचू बनाकर खाऊंगी। और मैंने बीच में गार्लिक वाला खीचू बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी गार्लिक वाला खीचू। लेकिन आज दूसरे सारे काम मेरे बहुत अच्छे से हो गए, पूरा पीछे पूरा घर दिख रहा है एकदम अच्छे से। आज वैसे मेरा काम जल्दी हो गया, जल्दी फ्री, तो मैं ऐसे भी आराम आराम से ही बनाती हूँ। और आज कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं है, आम रस और भरवा बैंगन और रोटी, बस इतना ही आज लंच में है, तो बन जाएगा फटाफट खाना। और उसके बाद पहले सब्जी बनने रखूँगी, और उसके बाद बर्तन लगाऊँगी, ताकि सब्जी भी बनती जाएगी और बर्तन भी लग जाएंगे, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे। हो गई है शाम और हमने पी लिया चाय, और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे पहले तो नंबर के चश्मा बनाने उसके लिए, और उसके बाद अटेचिया देखने के लिए जाएंगे। पहले जाएंगे वहाँ पे, और उसके बाद हमारा मोजा, तो हम लोग और पहले नंबर, मैं भी अपने नंबर चेक कराऊंगी, तो मुझे भी बहुत सिर में दर्द हो रहा है आजकल थोड़ा सा। घनश्याम अपने नंबर चेक करवा रहे थे, और फिर मैंने नहीं करवाया, क्योंकि काफ़ी देर हो जाती मैं भी अपने करवाती नंबर चेक, क्योंकि अटेचिया लेनी हमको ज़रूरी थी। और ये सब शॉप पर जा रहे थे, देख रहे थे सब अलग अलग तरह की, क्योंकि सब देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी लेनी चाहिए। और सिंपल बैग खरीदना भी इतना आसान नहीं है कि गए और ख़रीद लिया, काफ़ी सारे देखे तब जाकर, मतलब आज हमने सोचा था कि आज हम मतलब ले ही लेंगे, ख़रीद ही लेंगे, और फाइनली ख़रीद लिए हम लोगों ने। दो बड़ी अटैची हो चुकी है अभी, और अभी छोटी बाकी थी, पर इतना थक गए चल चल के, क्योंकि 5-6 जगह हमने देखी और फिर जाके फाइनल की, क्योंकि हम लोगों को एकदम बड़ी साइज़ की लेनी थी, तो उसमें सोचना पड़ता है कि किसमें मतलब ज़्यादा फीचर्स किसके अच्छे हैं, वो सब सोच कर। और लेकिन हमें जो कलर चाहिए थे वो भी मिल गए, और एकदम अच्छी आ गई जो चाहिए थी, मतलब उस तरह की। काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि लेनी है, लेकिन इस तरह से इसमें काफ़ी सारा टाइम चाहिए। हो चुके 9 बजे हैं अभी, और खाना बनाना भी बाकी है, तो हम लोगों को अब डिनर के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 9 बज चुके हैं, तो अभी बच्चों को भी भूख लग गई, वो घर पे उनके टेस्ट है कल, तो तैयारी कर रहे हैं घर पे, हम दोनों ही आए थे। लेकिन अब एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लग गई है, तो जाना ही पड़ेगा, बाहर ही जाएंगे डिनर के लिए। तो लेकिन बड़ा काम हो गया, ये अच्छी बात है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने सोचा था, कई बार मतलब इस तरह से इस बार हमको शादी में जाना था, तो फिर बहुत सारे बैग्स हो जाते हैं अलग अलग, इतना लगेज, और बड़ी अटैची हो तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि भाई काफ़ी सारा सामान एक ही में आ जाता है, तो ये हो गया, आज बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। वे आए चेंज किया, इतनी थकान लग रही है चेहरे पे तो, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, क्योंकि कल भी मैंने दाल चावल बनाए थे, आज खिचड़ी ऐसा कुछ बनाऊंगी तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे वैसे। ये रही हमारी अटैचियाँ, तो
तो अथु और घनश्याम बातें कर रहे हैं। अथु अपनी सारी बातें बाहर खेल कर आता है, वो क्लासेस की बातें सारी बातें बताता है हमको घर पे आके। और घनश्याम को बहुत मज़ा आती है लेकिन अथु की बातें सुनने में, और बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ध्रुव भी कुछ अपनी डिमांड कर रही थी और घनश्याम ने हाँ कह दी, तो ओके ओके मान गए और फिर हम हंसने लगे। बहुत एंजॉय किया लेकिन फिर बैक टू होम वापिस घर पे आ रहे थे। सब देखते देखते नया कुछ, ये रास्ते नई शॉप खुली, ये सब चीज़ें बातें करते डिस्कस करते करते आके घर। और ये है पपैया जो मैंने पहले दिखाया था, बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, पेड़ बनने में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और बहुत जल्द पपैया लगे हुए मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। बस यही रहा आज का दिन।